हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रक्षाबंधन का त्यौहार काफी नजदीक है। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए काफी उत्सुक हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब और किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा कब लगेगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि भाइयों को उपहार में बहनों को कौन सी चीजें देनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है, जो हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ये त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं। घर में एक उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपको बताते हैं, इस साल सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि भद्रा काल कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, और भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। पौराणिक कथाओं के भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव बहुत क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के तुरंत पश्चात ही पूरी सृष्टि को अपना भोजन बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य होते, यज्ञ और अनुष्ठान आदि होते, वहां पर समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए जब भद्रा लगती है तब किसी भी प्रकार का कोई शुभ काम नहीं किया जाता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि शुरुआत आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। राखी बांधना एक बहुत ही पवित्र कार्य है, इसलिए इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए आपको भद्रा का समय अवश्य ही पता होना चाहिए। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वही प्रभावी है, और इस बार सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी। सोमवार की ही रात 11:55 पर यानी कि सुबह से लेकर देर रात तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। इसलिए पूर्णिमा का स्नान, दान या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार केवल 19 अगस्त सोमवार को ही मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा मुख का समय सुबह 10:53 से 2:37 तक रहेगा। भद्रा पूज का समय सुबह 9:51 से 10:53 तक रहेगा और भद्रा काल दोपहर 1:30 पर समाप्त होगा। 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक भाई को राखी बांधी जा सकती है, जिसमें से अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:45 से 4:20 तक रहेगा, और प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। आप इन मुहूर्त से भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब रक्षाबंधन की बात है तो भाई अपनी प्यारी बहनों को उपहार तो देते ही हैं, तो उपहार देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हम आपको बता देते हैं कि क्या उपहार दे सकते हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या उपहार देने से हमें बचना चाहिए।
तो दोस्तों, जूते, चप्पल या सैंडल उपहार में देने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन पर बहनों को धारदार नुकीली चीजें, चाकू, कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, मिरर, फोटो फ्रेम, घड़ी, रुमाल जैसी चीजों को गिफ्ट देने से बचना चाहिए। इससे रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो यह सब चीजें उपहार में कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ भाई अपनी प्यारी बहन के साथ मजाक करने के चक्कर में गलती ना कर बैठे, इसलिए बताना जरूरी था। अब जान लेते हैं कि कौन सी चीजें उपहार में दे सकते हैं। तो रक्षाबंधन के शुभ मौके पर आप अपनी बहन को कपड़े, गहने, कंगन, अंगूठियां, झुमके, पेंडेंट, चेन ज्वेलरी आदि दे सकते। इसके अलावा आप किताबें, डायरी, मोबाइल या लैपटॉप भी गिफ्ट दे सकते हैं। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्यारी बहनों के जीवन में कभी कोई दुख ना आए, और उनके भाइयों को भी भगवान हमेशा खुश रखे और भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का प्रश्न रक्षाबंधन को लेकर हो, यानी किसी तरह की परेशानी हो, तो आप कमेंट करके बताएं, हम अलग से एक और वीडियो बना देंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।